रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है उसमें अभ्यर्थी जो है वो पर्चा भरने वाले हैं, ऐसा उन लोगों ने ऐलान किया है। सरकार के बात को हम समझ रहे हैं, उनका मन थोड़ा निराशा हाथ लगी है, लेकिन हम उन पर यहाँ के लोगों पर समर्पित हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के पास आज कुछ नहीं है, जेपीएससी क्यों नहीं करा पाया था, उसको तो पहले वो जवाब दे। जेपीएससी हम लोग ने कई एग्जाम ले चुके, कितने लोगों को हम लोग रोजगार देने के काम किए, नए नए लोग लड़कियों को हम जोड़ने के काम किए। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस बार जो नीति बनेगी और ठोस बनेगी और यहाँ का लोगों का नियोजन के लिए रास्ता प्रशस्त। अब इनको चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रश्न उठा रहे हैं उनको चाहिए, ये केंद्र में उनकी सरकार है, उनकी गवर्नमेंट है, वो तत्पर यहाँ के लोगों के हित के लिए, भलाई के लिए उनको तत्पर इसको लाना चाहिए। झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी। हम इन्हीं से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी कई सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तब 1932 लागू होगा, हालांकि उन्होंने एक बात नहीं जोड़ी थी कि नवी अनुसूची में भेजेंगे तो वो केंद्र के पाले में जाएगा, तो ये उन्होंने क्यों नहीं जिक्र किया था इस बारे में? देखिए, ये तो हमको तो लग रहा आश्चर्यजनक बात है कि हमने कहा कि हम 1932 जब हमारी सरकार आएगी तो हम 1932 का खतियान को हम लागू करेंगे और हमने लागू किया। अब ये रहा कि 9 शेड्यूल में क्यों जोड़ा गया, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को उछाल रही है, इसके पहले भी उन लोगों ने करके देख लिया, इसका असर क्या हुआ? इसका असर यही हुआ, कोर्ट में ही निरस्त हुआ। तो हम लोगों ने कॉन्क्रीट गेम खेला, ऐसा नहीं कि इसलिए हम लोगों ने 1932 खतियान को विधानसभा में पारित करके 9 शेड्यूल के तहत हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय को भेज दिए हैं। अब इनको चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रश्न उठा रहे हैं उनको चाहिए, ये केंद्र में उनकी सरकार है, उनकी गवर्नमेंट है, वो तत्पर यहाँ के लोगों के हित के लिए, भलाई के लिए उनको तत्पर उसको लाना चाहिए। एक और, जहाँ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब हम लोग राज्य की सत्ता में थे तब कई नियुक्तियाँ हुई, लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार आई है तब से नियुक्तियाँ रद्द हो रही है, परीक्षाएँ रद्द हो रही है, अब नियोजन नीति भी रद्द हो गई है। इससे पहले भी उनका कहना है कि हम लोग सरकार को कहे थे कि जो नियोजन नीति आप बना रहे हैं वो असंवैधानिक है, हाईकोर्ट निरस्त कर देगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये खामियाजा तमाम जो झारखंड के अभ्यर्थी है वो भुगत रहे हैं, तो ऐसा सरकार क्यों कर रही है? जहाँ तक बोले कि हमारा बहाली नहीं हो पाई है, जेपीएससी में क्या हुआ 20 सालों में जब उनकी सरकार रही है, कितने जेपीएससी का में उन्होंने काम किया और कितने बार उनका एग्ज़ाम हुआ और कितने लोगों को नियोजन ने रोजगार देने के काम किया, तो नहीं किया। लेकिन हमारे ही गवर्नमेंट आने के बाद जेपीएससी का इतनी कई क्या परीक्षा हो गई, उस बात को क्यों नहीं उठाते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के पास आज कुछ इशू नहीं है, जो उन्होंने बोलते हैं बोल रहे हैं कि कोर्ट से निरस्त किया, उन्होंने भी तो 2 बार किया, फिर उनके उनका भी तो रिजेक्ट हुआ। इसीलिए हम लोग ने 1932 का खतियान 9 शेड्यूल में भेजे ताकि संसद में पारित होकर वो आए, कभी उसका निरस्त नहीं होगा, इसीलिए हम लोग ने भेजे। और ये भारतीय जनता पार्टी के पास आज कुछ नहीं है, जेपीएससी क्यों नहीं करा पाया था, उसको तो पहले वो जवाब दे दे। जेपीएससी हम लोग ने कई एग्जाम ले चुके हैं, कितने लोगों को हम लोग रोजगार देने के काम किए, नए नए लोग लड़कियों को हम जोड़ने के काम किए, तो ये बात है भारतीय जनता पार्टी को, और हम लोग उस दिशा में काम करें। नई जननीति हमने भी बनाए थे, हमारे पहले उन लोगों ने बनाया था, अब कोर्ट ने किसी न किसी बिंदु पर अपना उसका हम सम्मान भी करते हैं, उसको सुधार कर हमने इसी से कराएंगे। एक और, जहां लगातार जो अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं उनका कहना है कि जेपीएससी और जेएससी इतना बार रद्द हो गया है कि अब हम लोग एमएलएस का फॉर्म भरेंगे, यानी कि जो रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है उसमें अभ्यर्थी जो है वो पर्चा भरने वाले हैं, ऐसा उन लोगों ने ऐलान किया है। देखिए, वो तो सुना सुनाई बात पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम युवाओं के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति हमारी सरकार समर्पित है, और समर्पित भावना से हम उन लड़कियों के बात को हम समझ रहे हैं, उनका थोड़ा निराशा हाथ लगी है, लेकिन हम उन पर और यहाँ के लोगों पर समर्पित हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं।
नियोजन नीति को लेकर जो कई बातें सामने आ रही है कि 10वीं 12वीं की बाध्यता समाप्त हो जाएगी, क्षेत्रीय भाषा की सूची में उर्दू को हटाकर एक बार फिर से हिंदी को शामिल किया जाएगा, ये भी बातें सामने आ रही है कि जनजातीय भाषा को भी हटाया जाएगा, जिसको लेकर पहले से जो अभ्यर्थी है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे कि अगर नई नियोजन नीति बन जाएगी तो उसके बाद आवाज़ को बुलंद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या कुछ इस तरीके से बात आ रही है, उन लोगों का कहना बाहरी लोगों की एंट्री हो जाएगी झारखंड में? बहुत सारी बात आ रही है और हम ऐसा नियोजन नीति बनाने जा रहे हैं, इसके पहले भी एक बार नहीं 3 बार हाईकोर्ट के द्वारा नियोजन नीति झारखंड का निरस्त किया गया है। और ठेस लगन ठोकर लगने के बाद आदमी होश में आता है, जो गलत हो गया सही को पहचान भी होता है। और हम लोगों ने हर बिंदुओं पर हर की आवाज़ हर की बातों को सुनकर और विधि सम्मत जो होगा वही हम लोग करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस बार जो नियोजन नीति बनेगी वो ठोस बनेगी और यहाँ का लोगों का नियोजन के लिए रास्ता प्रशस्त होगी। पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी जो है पिछले 5 सालों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द नियुक्ति होगी। हाँ। आखिर कब तक नियुक्ति होगी अभ्यर्थियों? बहुत जल्द इसका नियुक्ति किया जाएगा। हम लोग ने बात किए हैं और फिर बात चल ही रहा है, अब बाकी नहीं रहा है, बस बहुत जल्दी पंचायत सचिव का दिया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि नई नियोजन नीति बनाई जाएगी, वो भी युवाओं के हित में बनाई जाएगी। वहीं पंचायत सचिव के मुद्दों को लेकर इन्होंने कहा है कि पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द होगी, वो लोग घबराए नहीं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कोई तो उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।